मॉडिफाई टैब के अंदर यहाँ पर स्प्लिट टूल दिया गया है। ये जो स्प्लिट टूल है वो नॉर्मल है, और यहाँ जो स्प्लिट टूल है वो स्प्लिट विद गैप है। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉर्मल वाला स्प्लिट टूल यूज़ करूँगा। जैसे मैं किसी को क्लिक करूँगा यहाँ पर वॉल पर, तो ये दो वॉल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक से मैं फिर से क्लिक करता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पर डिलीट सेगमेंट पे क्लिक रख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये दोनों के बीच का जो पोर्शन है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देन स्प्लिट विद गैप है, ये जिस तरह मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक गैप दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ है कि हम यहाँ पर 1 फीट या फिर मिलीमीटर में 300 mm से ज़्यादा यहाँ का डिस्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 फीट का रखता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 फीट तक यहाँ पर गैप आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिट विद गैप, और ये मैं अनलॉक कर सकता हूँ और ज्वाइंट भी कर सकता हूँ। बाद में ही मैं इसको मूव कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको गैप को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह स्प्लिट और स्प्लिट विद गैप कमांड यूज़ होता है।